कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, पर क्या ये इतना भी जायज था कि जंग के उस मैदान में उस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम बेईमानी की सारी हदों को पार कर गई थी। उन कंगारुओं के मन में भारत से हारने का इतना डर सता रहा था कि मैच से पहले वाली रात वो कंगारू सिर्फ ये सोचने में गुजार देते हैं कि कल के मैच में कैसे बेईमानी की सारी हदों को पार कर जाना है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बेईमानी करने के लिए पुराने जमाने से ही मशहूर है, लेकिन उस दिन उन कंगारुओं ने बेईमानी की सारी हदों को पार कर दिया था जब साल 2023 के वर्ल्ड कप में कंगारू बल्लेबाज अपने बल्ले में स्प्रिंग तक लगवा चुके थे, यानी कि स्प्रिंग का बैट लेकर के वो भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतर जाते हैं। ये कहानी है साल 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल की, जब भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में दस्तक देती है, जहां भारत के सामने थी ऑस्ट्रेलिया की बेईमान टीम और उनके चीटिंग का चिट्ठा। भारतीय टीम इस मैच के लिए काफी खुश और काफी उत्साहित थी, क्योंकि लगभग 20 सालों के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम ने पूरे हिंदुस्तान के दिल में वर्ल्ड कप के जीतने के सपने को उनके दिल में जगा दिया था। उस जमाने में आज के जमाने की तरह लोगों के घर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग दूर दूर तक जहां जिसके घर में टीवी था वहां पे लोग पहुंच जाते हैं और उस मैच में एक इतिहास बनने के लिए, उस इतिहास का गवाह बनने के लिए वहां पर मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में मैच शुरू होता है और मैच शुरू होते ही शुरू हो जाता है पॉन्टिंग का तांडव। उस मैच में पॉन्टिंग भारतीय गेंदबाजों को इतनी बुरी तरीके से पीटे जा रहे थे जैसे एक विलेन हीरो को पीट रहा हो। पॉन्टिंग की ताबड़तोड़ 140 रनों की तूफानी पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 359 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया था। पहाड़ जैसे इस बड़े टारगेट के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान को ये भरोसा था कि हमारा क्रिकेट का भगवान सचिन इस टारगेट को हासिल करके हमें इस वर्ल्ड कप में भारत को जरूर विजयी बनाएगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का भरोसा और ख्वाब सचिन के विकेट के साथ ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है और भारत 125 रनों के बड़े मार्जिन से ये मैच हार जाती है। मैच के अगले दिन बाकायदा ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में ये खबर छपता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में बेईमानी की थी, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग लगा हुआ था और ये मैच एक बार फिर से दोबारा कराया जाएगा। लेकिन जब इस खबर को गहराई से खंगाला गया तो उस आर्टिकल के नीचे एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि दिस इज एन अप्रैल फूल जोक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भारत के इस हार का इतना गंदे तरीके से मजाक बना रही थी इस अप्रैल फूल वाले आर्टिकल को छापकर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जगत ऐसी खबर छापकर पूरे हिंदुस्तानियों के दिलों के भावनाओं के साथ खेल रहे थे, लेकिन बस ये समय की बात थी, कंगारुओं को उनके इस गंदे और भद्दे मजाक का जवाब देना बहुत जरूरी था। जरूरी था उनके घमंड और उनके एटीट्यूड को तोड़कर उन्हें उनकी असली औकात दिखाने की। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद को कभी ना हारने वाली टीम समझने लगी थी। 1999 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2003 का वर्ल्ड कप और फिर 2007 का वर्ल्ड कप जीतना उन कंगारुओं के घमंड की ये सबसे बड़ी वजह थी। जिस तरह का एटीट्यूड पानी में डूबने से पहले टाइटेनिक का हुआ करता था, कुछ ऐसा ही घमंड उन कंगारुओं का उस दौर में हुआ करता था। लेकिन शायद कंगारू ये बात भूल रहे थे कि जब टाइटेनिक का सामना समुद्र की लहरों और बर्फ की चट्टानों से हुआ तो टाइटेनिक भी खुद को डूबने से बचा नहीं पाती है, फिर भला ये कंगारुओं का घमंड किस खेत का गाजर और मूली था। क्योंकि उनके वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के लिए महेंद्र सिंह धोनी नाम का एक योद्धा भारतीय टीम का कप्तान बन चुका था। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लीग मैचों में ही भारतीय टीम बुरी तरीके से हार कर बाहर हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी उसी साल होने वाले 2007 के ही T20 वर्ल्ड कप की। पहली बार वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम मैच के शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक दस्तक देती है और सेमीफाइनल में एक बार फिर से भारत के सामने थी वही ऑस्ट्रेलिया की टीम और उनका वही घमंड, उनका वही एटीट्यूड और उनका वही बेईमानी करने का इरादा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कंगारुओं को जवाब देने के लिए
उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस बार महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे। कंगारुओं का सामना आज एक ऐसे कप्तान से होने वाला था जो भारत को क्रिकेट की दुनिया का नया बादशाह बनाने वाला था। ऐसे में दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने को कहा। गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। मैच के शुरुआत में पिच की नमी का फायदा उठाते हुए कंगारू गेंदबाजों ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध करके रखा था, जिसके कारण स्कोर के रन गति को बढ़ाने के प्रयास में वीरेंद्र सहवाग कंगारुओं के शिकार बन जाते हैं और भारत को पहला झटका लगता है। यहां से फिर गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा के बीच थोड़ी सी साझेदारी बनती है, लेकिन भारत का स्कोर बोर्ड अभी भी कछुए की चाल चल रहा था और इसी दरमियान पारी के 8वें ओवर में ही गंभीर के रूप में भारत को दूसरा झटका लगता है। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और ऐसे में भारतीय टीम अपना 2 विकेट खोने के बाद सिर्फ और सिर्फ 41 रन ही बना पाई थी, जिसके कारण भारतीय टीम पूरे तरीके से इस मैच में दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत पावर हाउस वाली बैटिंग की लाइनअप थी। इसलिए अब यहां से भारत को बाकी बचे 12 ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाने थे। इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए युवराज सिंह को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और युवराज तो मानो इस मौके के लिए इंतजार में पवेलियन से ही सेट होकर आए थे। युवराज ने आते ही कंगारुओं के ऊपर काउंटर अटैक करना चालू कर दिया। युवराज के आते ही भारत का जो रन रेट कछुए की चाल से चल रहा था, अब वो खरगोश बन छलांग लगाने लगा था, क्योंकि युवराज ने मात्र 30 बॉल पे ही 70 रन ठोक डाले थे। और अंत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 18 बॉल पे 36 रनों की शानदार तूफानी पारी के बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में अपने 5 विकेट खोकर 188 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। 189 रनों की जवाबी कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज भारतीय गेंदबाजों के सामने मानो घुटने टेक दिए थे। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 20 ओवर के खेल में सिर्फ और सिर्फ 173 रन ही बना सका और भारत ने 15 रनों से इस मैच को जीतकर कंगारुओं को ये संदेश दे दिया था कि अब तुम्हारी बादशाहत यहाँ पे खत्म, क्योंकि अब यहाँ पे क्रिकेट का नया बादशाह महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये हिंदुस्तान बन चुका है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में फिर कभी ऑस्ट्रेलिया का वो दबदबा दिखा ही नहीं, क्योंकि इस दिन के बाद धोनी ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को बार बार और कई बार हार के मजे चखाए थे। तो भारत के उस कप्तान के नाम इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिस कप्तान ने कंगारुओं के वर्चस्व को खत्म करते हुए हिंदुस्तान को एक नई पहचान दिलाई। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।